हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव सो कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले सीमेंट के बारे में, सीमेंट के क्या क्या टाइप्स है, किस दशक में कौन से सीमेंट का इस्तेमाल होता था, आज के टाइम पे कौन से ग्रेड का सीमेंट हम यूज कर रहे हैं और क्या जरूरत पड़ी कि ओपीसी 33 से ओपीसी 53 तक आने के लिए क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे और क्या क्या ड्रॉबैक्स 53 में हमारे कंप्लीट हो जाते। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, बस बने रहिएगा आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ओपीसी के बारे में। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये जनरली हम कहां यूज करते हैं, जनरली ये हम हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस या ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो काफी ज्यादा लोड बेयर करने वाले हैं या लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले, तो ऐसी जगहों पर हम ओपीसी यूज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो सबसे पहले 50 के दशक में हमारा आया था ओपीसी 33 ग्रेड का सीमेंट। ओपीसी 33 50 के दशक में काफी समय तक चला, 50 से 70 की दशक तक चला। अब उसके बाद हमें चाहिए था अपग्रेड। क्यों अपग्रेड चाहिए था ये हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके बाद आया हमारा 1970s में आया हमारा इसका अपग्रेडेड वर्जन ओपीसी 43 ग्रेड का सीमेंट। इसके बाद अल्टीमेटली जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं 1990s में आया था ओपीसी 53 ग्रेड का सीमेंट। तो ये सब क्या है वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1950s में आने वाला हमारा सीमेंट ओपीसी 33 ग्रेड का सीमेंट। तो ओपीसी 33 ग्रेड में क्या था, तो जो हमारा ओपीसी 33 ग्रेड का सीमेंट था ये एक लो स्ट्रेंथ सीमेंट था। मतलब कि इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी थी वो लगभग 33 मेगा पास्कल्स की हुआ करती थी। अगर हम क्यूब टेस्ट इसका करें तो 33 मेगा पास्कल की इसकी स्ट्रेंथ निकल कर आती थी, इसलिए इसे एक लो स्ट्रेंथ सीमेंट भी बोला गया। इसके बाद क्योंकि ये लो स्ट्रेंथ सीमेंट था तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम उस टाइम पे जनरली प्लास्टरिंग, मेसनरी, ये सब वर्क में हम ओपीसी 33 का ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे। बट इसकी कम स्ट्रेंथ होने की वजह क्या थी, इसकी कम स्ट्रेंथ होने की वजह थी कि इसमें कम प्रोपोर्शन में C3S और C3A का मिलाना। मतलब कि इसमें जो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो क्वांटिटी थी वो बहुत कम रखी गई थी। जो हमारा C3S और C3A होता है ये ही हमारा मेन कंपोनेंट रहता है सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। तो उसकी कमी होने की वजह से इसमें स्ट्रेंथ की कमी थी। तो स्ट्रेंथ की कमी की होने की वजह से इससे आप रैपिड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसे 33 मेगा पास्कल तक का स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 28 दिन लग जाते थे। मतलब कि हमें शटरिंग के लिए भी काफी ज्यादा टाइम लगता था, शटरिंग खोलने के लिए टाइम लगता था, साथ ही साथ इससे कंस्ट्रक्शन करना एक लंबा प्रोसेस बन जाता था। इसलिए हम इसे जनरली कहां यूज करते थे, लोअर स्ट्रेंथ होने की वजह से। और आज के टाइम पे हम कहां यूज करते, प्लास्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं, ब्रिक मेसनरी के लिए करते हैं, या फिर हम नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट जहां पे हमें स्ट्रक्चरल लोड बेयर नहीं करवाना है वहां पे हम इसे यूज करते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स थे। तो इसके बाद हमें नीड पड़ी कि हमें जल्दी सेटिंग टाइम वाला कंक्रीट चाहिए, जिससे हमारी शटरिंग जल्दी खुल जाए, ये जो स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर सके और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा गेन कर सके। तो जब रिसर्च चली, तो रिसर्च चलने के बाद हमारा 1970s में ओपीसी 43 ग्रेड का कंक्रीट। तो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ कंक्रीट 43 मेगा पास्कल के साथ, मतलब 33 से अपग्रेडेड था। साथ ही साथ इसमें जो हमारा C3S था और C3A, मतलब कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दोनों की क्वांटिटी को थोड़ी बढ़ाई गई थी, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी। स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ इसकी सेटिंग टाइम कम हो गई, मतलब कि अब जो इसकी स्ट्रेंथ गेन करने की जो कैपेसिटी थी वो काफी जल्दी होने लगी। इसके बाद हमें शटरिंग खोलने का टाइम भी कम लगने लगा। तो ये था हमारा ओपीसी 43। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे कि हम इससे ब्रिजेस और अगर कुछ हाई राइज बिल्डिंग बनाने जाए तो ये हम उतने कारगर नहीं हो पाते थे, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रेंथ गेनिंग का टाइम इतना ज्यादा नहीं था कि हम इसे यूज कर पाते। तो कुछ टाइम तक हमारा ओपीसी 43 चला, बट इसमें हम यूज करने के साथ साथ इसके बाद भी हमें नीड महसूस हुई कि हमें एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत है जो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके और जो बहुत जल्दी सेट हो जाए, जिससे हमें शटरिंग निकालने में और कम टाइम लगे, जिससे कि हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जो हमारा ओपीसी 43 था इसे हम जनरल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज करने लगे, जैसे मैंने आपको बताया ब्रिजेस और जो हमारा डैम्स वगैरह था वहां पे हम इसे यूज करते थे। बट हमें नीड महसूस हुई कि हमें और ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए, इसलिए ज्यादातर आज के टाइम में अगर हम ओपीसी 43 यूज करते हैं तो जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज करते हैं आज के टाइम पे। तो इसके बाद जो हमारा अल्टीमेटली जो सीमेंट आया
ओपीसी 53 ग्रेड का जो कि आया 1990s के दशक में। तो साइंटिस्ट ने आखिरकार ढूंढ निकाला था हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ये था हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ओपीसी 53 जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी 53 मेगा पास्कल्स की। तो ये था हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसलिए इसका नाम पड़ा हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जो हमारा ओपीसी 33 था वो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट था, इसके बाद हमारा ओपीसी 43 वो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट था, और इसके बाद हमारा जो लास्ट में ओपीसी 53 आया वो था हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब इसमें 53 मेगा पास्कल जो 28 डेज में स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, जिसकी वजह से अब इसे हम ब्रिजेस और हाईवेज में यूज करने लगे। इसमें जो स्ट्रेंथ बढ़ाने का जो मेजर कारण था हमारा C3S और C3A, उसकी प्रोपोर्शन काफी ज्यादा थी, हमारी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा काफी ज्यादा थी। इसके बारे में हम और जानेंगे कि इसकी क्या क्या केमिस्ट्री थी, क्या क्या इसके प्रोपोर्शन थे जिसको चेंज करने के बाद हम इस स्ट्रेंथ पहुंचे थे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट केमिस्ट्री बताने वाला हूं। तो पीसी 53 को हमने, क्योंकि C3S के हायर प्रोपोर्शन थे तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी थी, और इसके बाद में हम इसे यूज करने लगे ब्रिजेस के डेवलपमेंट में, डैम्स के डेवलपमेंट में, या ऐसे हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में जहां पे हमें शटरिंग बहुत जल्दी करनी थी और जिससे हमारी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड थी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो 1990 से लेकर आज तक जब भी हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत पड़ती थी हम ओपीसी 53 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज करते, बट आज के टाइम में मैं अगर बोलूं तो ओपीसी 53 ग्रेड का कंक्रीट आजकल फेड होने लगा है या इसका भी चलन कम होने लगा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप जानना चाहते तो नीचे कमेंट करिए, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53 में क्या क्या डिफरेंस थे, क्यों हमें 33 से 53 तक जाने की नीड पड़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में, बेसिक केमिस्ट्री जो हमारा C3S था, C3A, ये कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और हमारे कंक्रीट में अर्ली स्ट्रेंथ और अर्ली सेटिंग टाइम प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके लिए फ्री है, बट इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।